टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मुफ्ती ताजमुल साहब, मुफ्ती उबैदुल रहमान और दीगर उलमाए दीन ने अपील की है तमाम लोगों से जमात इजहाज मस्जिद गंज शाहिदा जो झिर्रे पर है बरोज़े 13 सितंबर को बाद नमाज इशा बड़े पैमाने पर वहां पर एक जलसा होने वाला है। तमाम लोगों से ख्वाहिश की जाती है कि वो बड़े से बड़े पैमाने पर 13 सितंबर के दिन बाद इशा पर शिरकत करें। आइए देखते हैं टीवी 11 की एक खास खबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम हाजरीन व नाजरीन किराम, हर मुसलमान का जहां अपने ईमान के और अकायद के बुनियादी बातों पर कायम रहना ज़रूरी है, वैसे ही मौत तक ईमान को बचाकर ले जाना भी ज़रूरी है। और इस ईमान के लूटने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोग पैदा होकर हमारे ईमान को, हमारी नस्लों के ईमान को लूट रहे हैं, जिसमें कादियानियत है, शकीलियत है, दीगर और भी फ़िरक़े हैं। इस सिलसिले में हाल में कुछ नौजवान मुतासिर हुए हमारे इधर आसिफ नगर हलक़े में, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए हम इस सिलसिले में आगे बढ़ें और अपनी नस्लों को भी बचाएं। इस उनवान से कुल जमाती जलसे आम बनवान तहफ्फुज़ ईमान बरोज़े जुमा बाद नमाज इशा बतारीख 13 सितंबर 9 रबीउल अव्वल जामे मस्जिद गंज शहीदा बड़ी मस्जिद जो झिर्रे की है वहाँ पर बड़ा इजलास हो रहा है, उलमाए किराम के खिताबात होंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि खुद बजाते खुद शरीक हों और अपने दोस्त अहबाब और खुसूसन अपने बच्चों को, नौजवानों को लेकर यहाँ हाजिर हों तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा नफ़ा होगा। ईमान का बाकी रखना और ईमान के साथ दुनिया से जाना इंशाअल्लाह आसान होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रात गिरामी, एक कुल जमाती जलसा आम बनवान तहफ्फुज़ ईमान बरोज़े जुमा बाद नमाज इशा बतारीख 13 सितंबर 9 रबीउल अव्वल बमक़ाम जामे मस्जिद गंज शहीदा बड़ी मस्जिद झिर्रा, इसके अंदर उलमाए इकराम फितनों से मुतालिक आगाही के लिए, शोर बेदारी के लिए खिताबत फरमाएंगे। हम आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर कीमती खिताबत सुनने के लिए तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद है कि आप हजरात तशरीफ़ लाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम और आप इस हकीक़त से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो नेमत है वो ईमान की नेमत है और इस्लाम ही हमारा सबसे बड़ा अजीम सरमाया है। फितनों के इस दौर में इस नेमत की हिफाजत करना और इस्लाम पर क़ायम रहना हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे शहर में शकीलियत के नाम से शकील बिन हनीफ जो मसीह और महदी होने का झूठा दावेदार है, उसका फितना हमारे शहर में बहुत सरगर्म है और इसके लोग आसिफ नगर झिलरा में भी सरगर्म है। इस फितने के सद्देबाब के लिए बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा 13 सितंबर मुताबिक 9 रबीउल अव्वल जामे मस्जिद गंज शहीदा में अल्लाह व बरकात। एक ज़रूरी बात को फैलाने के सिलसिले में, बिलखसूस ईमान के तहफ़ुज़ के सिलसिले में जितनी भी कोशिशें हम करें ज़रूरी हैं, क्योंकि मौजूदा दौर फितनों से भरा हुआ दौर है, तो फितनों से हिफाजत के लिए कोशिश करना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि अभी हाल ही के अंदर फितने शकील बिन हनीफ जो पूरे मुल्क भर में बल्कि हमारे ख़ास तौर पर हमारे शहर के अंदर यह फितना बड़ी ज़ोर शोर के साथ और बड़ी आबताब के साथ यह फितना सरगर्म है और मुसलसल अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और लोगों के ईमान को
یہ فتنہ لوٹ رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، ٹپا چبوترا جھرے کے اندر دو نوجوان آئے،